हाँ जी, क्या हाल है? हैप्पी थर्सडे। वो नहीं बोलूंगी भाई, वो मैंने कल फ्राइडे के लिए बचा के रखा है। कल उठूंगी सुबह आराम से, फिर बोलूंगी वो इट्स वीकेंड। एनीवेज, आज की जो वीडियो है ना, बड़ी एक्साइटिंग सी है। सुबह उठते एक न्यूज़ पढ़ी, मतलब दुबई में शिफ्ट होने के बाद ना एक बेस्ट चीज़ ये हो गई कि मैं रोज न्यूज़ पढ़ती हूँ। वैसे मैं इंडिया में भी न्यूज़ सुनती थी, सुबह जैसे ही उठो और रात को वापस जब ऑफिस से घर आओ ना, वही सेम न्यूज़ सुनती थी। वो लूप में चलाते हैं ना, क्योंकि किसी के घर में चोरी हो गई तो शाम तक चोरी हुई हुई है। या फिर सोशल मीडिया पे कुछ चेक कर लो ना आप न्यूज़ में इंडिया की, तो या तो वहाँ पे सेलिब्रिटी का कुछ लिखा होगा या फिर कुछ ऐसा डिप्लोमेटिक सा लिखा होता है कि बंदे को ना क्रॉस चेक करना पड़ता है गूगल पे जाके कि भाई ऐसा कुछ है या नहीं। जैसे कि कल मैंने पढ़ा तेजस्वी प्रकाश का ब्रेकअप हो गया, ऐसा उन्होंने अपने कैप्शन के थ्रू बताया। आई एम लाइक, अभी तो मैं थोड़े दिनों पहले तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा से मिलकर आई थी, दे आर सो हैप्पी क्यूट कपल्स, और ऐसा कैसे हो गया? फिर मैंने देखा भाई अब सोशल मीडिया पे जाके तो चेक करना पड़ेगा ना, वहां लिखा था #breakupacne। आई एम लाइक यार, एक्ने से ब्रेकअप हुआ उसका, ये क्या करण कुंद्रा से थोड़ी हुआ है। तो मतलब ऐसे डिप्लोमेसी वाली न्यूज होती है, बट अगर दुबई की हम बात करें ना, यहाँ आपको नया कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ रोज मिलेगा भाई। अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है यहाँ पर, नो डाउट। जैसे कि अभी थोड़े दिनों पहले की न्यूज़ है कि जो यहाँ पे बहुत अच्छी बीच है लामेर बीच, उसको वो लोग चेंज कर रहे हैं। और अभी कुछ टाइम पहले फ्लाइंग टैक्सी का भी अनाउंसमेंट हुआ था कि भाई ट्रायल हो रहा है। तो ऐसे ही एक नई एक्साइटिंग न्यूज़ है। कमेंट्स पढ़ने के बाद लगा यार लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं इसको देखने के बाद, तो मुझे लगा कि लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए। हर चीज़ के प्रॉज होते हैं कॉन्स होते हैं, सो प्लीज़ डोंट बी दैट, गो इन दैट वे कि भैया आप डिमोटिवेट हो रहे हो। और इस पर एक वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन और थोड़ा सा प्यार स्प्रेड किया जाए थ्रू दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दुबई टैक्सी के बाद अब ट्रायल हो रहा है ड्राइवरलेस ट्रक का, यही न्यूज़ मैंने आज सुबह सुनी है। एंड आई एम लाइक यहाँ, मतलब उसके बाद तो कमेंट्स पढ़ना लाजमी था भैया कि नीचे लिखा क्या है। कुछ लोगों ने पॉजिटिव लिखा, कुछ लोगों ने नेगेटिव लिखा। जो ड्राइवरलेस ट्रक का ट्रायल है वो उसका पीरियड है दिसंबर टू फरवरी, और मुझे एक्साइटिंग सा लगा कि भाई वाओ फ्लाइंग टैक्सी है। उसके बाद एक कमेंट ऐसा था कि भाई आने वाले टाइम में ना ह्यूमन लेस हो जाएगा दुबई। सो हम लाइक, ऐसा नहीं है भाई, दुबई दुबई जो है स्मार्ट स्मार्ट मोबिलिटी हब की तरफ जा रहा है, एंड दैट्स अ गुड पार्ट। ऐसी एजुकेशन हमें मिल रही है इसलिए इतना आई वुड से क्या हो रहा है, एडवांस हो रहा है दुबई। तो लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में ले जाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि भाई अगर यहाँ पे ड्राइवर्स की जॉब जा रही है, उन्होंने एक ने लिखा कि ड्राइवर्स को आने वाले टाइम में जॉब नहीं मिलेगी, और हमारी जो टैक्सी है वो भी ड्राइवरलेस हो गई है, हमारे जो ट्रक्स हैं वो भी ड्राइवरलेस हो गए हैं। तो उसके अलावा हमारे पास दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी तो है, लाइक डेटा मैनेजर। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको डेटा ऑपरेटर की ज़रूरत होगी। अगर आप ड्राइवरलेस चीज़ें कर रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारी आईटी रिलेटेड चीज़ें होंगी, तो वो जॉब भी तो एक्स्ट्रा ही है ना, इंक्रीज़ हो रहा है वहाँ पर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मतलब ये भी ठीक है, मतलब वही बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स की अगर बात करें तो बैलेंस्ड है चीज़ें। उसके अलावा एक ने बोला कि एक्सीडेंट कम होंगे। वैसे तो यहाँ पे मैंने नोटिस करा कि हमारे घर में पूछ है, कभी कभी करता है डिस्टर्बेंस, बट इट्स ओके। मैंने कई बार देखा है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी तीसरी गाड़ी, पर मैंने कभी ट्रक का एक्सीडेंट टू बी ऑनेस्ट नहीं देखा, बिकॉज यहाँ पे एक डेडिकेटेड लेन है ट्रक की। और ये बात ना फिर मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस की, भाई सुबह उठ के बंदा बताता है भाई ऐसे 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 होने वाला है। माई हस्बैंड लाइक यार ठीक है, पर वो लोग उस पर्टिकुलर चीज़ को चलाएंगे कैसे? मैंने कहा भाई तो ट्रायल है, तो एक तो आदमी को होता है ना, वो पूरे उसके डीप में फिर उसकी छानबीन करना चाहते हैं। तो उन्होंने जब गूगल किया एंड ऑल दैट, ही सेड कि नहीं भाई ऐसा हो नहीं सकता कि एक लेन में लाइव ट्रैफिक में ट्रक कैसे चलाएंगे। आई एम लाइक ये मुझे भी देखना है, क्योंकि मेट्रो हमारी एक ट्रैक पे चलती है, फ्लाइंग टैक्सी उड़ेगी, और ऐसे ये वाला जो ट्रक है ये लाइव लाइव अगर चल रहा है तो ये कैसे चलेगा। तो थोड़ी सी इसकी वीडियो मैंने देखी गूगल पे, जो मैं आपको शेयर करती हूँ अगली क्लिप में। सो देखें इसको और भाई डीमोटिवेट ना हो, पहले इसको आने दे मार्केट में, लॉन्च होने दे इसको प्रॉपरली, उसके बाद देखते हैं कि भाई ये कहाँ तक सक्सेसफुल होता है। बाकी अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ऐसा नहीं है, दुबई ने एक ऐसा मास्टर प्लान बना रखा है 2040 तक का, उसका नाम है विजन 2040। आप जाके गूगल करके देखें, जो जो लोग ऐसा बोलते ना कि भाई दुबई में अब आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है, रेस्टोरेंट जाओ तो वेटर्स की जगह वहाँ पे रोबोट्स होते हैं, कई जगह होते हैं कई जगह नहीं भी होते हैं। सो
और दुबई में कहीं ना कहीं रोज कुछ ना कुछ ओपन होने वाला होता है, ऐसा है। जैसे कि लामेर बीच अभी बहुत ही ज्यादा लोग उसे जानते हैं, उस बीच को हम भी कई बार वहां पर गए। दे हैव प्लेंटी ऑफ रेस्टोरेंट्स। अब वो उसको थोड़ा और एनहेंस कर रहे हैं, डिमोलिश करके नई चीज वहां पर लेकर आ रहे हैं। तो मतलब ये प्लान्स है यहाँ के जो गवर्नमेंट है उसके माइंड में। मैं यही कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो और मोटिवेशन के साथ इस कंट्री में रहें। जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। जैसे कि अभी एक नई चीज जो आई है वो वीजा से रिलेटेड है, इस पे मैं सोच रही हूँ एक नई वीडियो बनाऊं और आप लोगों को बताऊं कि अगर आप नया वीजा स्टैम्प कर रहे हो तो बहुत सारी जो ऑप्शंस है वो चेंज हो गए हैं। वो क्या चेंज हुआ है, होपफुली मैं वीडियो बनाऊंगी। मेरा पासपोर्ट रिन्यू के लिए जाने वाला है, आते ही आप लोगों को दिखाऊंगी कि भैया व्हाट्स न्यू। आज के वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन था ना वो इतना ही था, और मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ भाई डीमोटिवेटेड फील ना करें, निराश ना हो। दुबई एक ऐसी टूरिस्ट सिटी है जहाँ पे 50 से 70 लाख लोग ना घूमने आते हैं, और बहुत अपॉर्चुनिटीज के साथ दुबई लेकर आएगा बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें फ्यूचर में। सो बी रेडी। अगर आप आना चाहते हैं या आ रहे हैं दुबई और आपके पास है कोई भी क्वेश्चन, डू लेट मी नो, आई ट्राई टू आंसर। एंड या मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, रब राखा, थैंक यू।